अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ ख्वाजा तलहा हुमायूं, कासा स्टेट के प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको एक्सप्लेन किया था लाहौर स्मार्ट सिटी, और हाफिज़ वासिफ सिशान साहब ने आपको एक्सप्लेन किया था, उसकी पूरा कॉन्टेंट बनाया था। काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी क्यूरीज हमें उससे जनरेट हुई, और हम सबका इंडिविजुअल आंसर नहीं थे कर सकते, तो आज हमने एक क्वेश्चन प्रिपेयर की है जो कि हम हाफिज़ साहब से पूछेंगे। तो आप हमारे वीडियो में हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको जितने क्वेश्चन से क्यूरियस थी वो क्लियर हो सके। तो आइए हाफिज़ साहब के पास चलते हैं। कैसे हाफिज़ साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा हाफिज़ साहब, कुछ क्वेश्चन थे हमारे क्लाइंट से, हमारे कस्टमर्स के, जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड थे, तो हमने कहा कि आपके एक्सपर्ट ओपिनियन लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी है इसकी लोकेशन क्या है, और वो लोकेशन अच्छी क्यों है, या उसकी क्या हमारे लिए बेनिफिट्स हैं, जो कस्टमर लेना चाहते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, काइंडली वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर लोकेशन की बात करें लाहौर स्मार्ट सिटी की, तो ये ईस्टर्न बाईपास, लाहौर के ईस्टर्न बाईपास काला शकाकू के सराउंडिंग में वाक़ है, जो गुजरांवाला से लाहौर की तरफ जीटी रोड जो है उसकी लेफ़्ट साइड पर है। और इसकी जो अहमियत इस लिए हामिल है, इस अहमियत का हामिल है ये कि इस वक्त लाहौर पूरे में किसी भी जगह पर हाउसिंग सोसाइटी के लिए जगह नहीं है। रायवन रोड की अगर बात करें तो वहाँ तक, कसूर तक जो है वो सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, और ईस्टर्न बाईपास वाली साइड पे किसी भी सोसाइटी का रुझान नहीं था सिवाय एक सोसाइटी के। अब आने वाले वक्त में इसका जो अहमियत होगी, ये DHA, क्योंकि ये रिंग रोड इसको टच कर रहा है, रिंग रोड से आप पूरे लाहौर को अप्रोच कर सकते हैं, और लाहौर स्मार्ट सिटी से आप अगर जाएं तो एयरपोर्ट की आप लोकेशन देखें, सियालकोट जाने के लिए आप देखें, गुजरांवाला देखें, M2 मोटरवे, तमाम जो ये एक हब के अंदर जो सेंट्रल हब है लाहौर का वो बनने जा रहा है, इस वजह से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर भी इसीलिए लोगों का रुझान भी ज़्यादा इसी वजह से बना है कि इस वक्त सेंट्रल लाहौर की सेंट्रल लोकेशन बनने जा रही है। अच्छा, आपसे भी बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट की अप्रूवल्स होती हैं जिसमें हमारे लाहौर में कभी भी कोई सोसाइटी बनती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन एक ये होता है कि यार अप्रूव्ड है LDA से, ASA से, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी जो क्वेश्चन था वो यही था कि आया अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये अप्रूव्ड है नहीं अप्रूव्ड है, या अगर अप्रूव है तो कब तक इसके कंप्लीट NOCs हो जाएंगे, तो काइंडली इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। अप्रूवल और लीगल स्टेटस के बारे में लाहौर स्मार्ट सिटी ने जब इसको लॉन्च किया था 2020 में, तो सबसे पहले LDA से NOC लिए थे, और जितनी उनके पास तब लैंड थी तकरीबन 20,000 के अराउंड थी कनाल के, तो उस सब का NOC उन्होंने ले लिया हुआ है। जब उन्होंने उसका NOC लिया तो उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट की। अभी फ्यूचर में नेक्स्ट वो लैंड परचेज कर रहे हैं, जैसे जैसे करते जाएंगे NOC ले रहे हैं और फिर वो डेवलप करेंगे। इसमें A ब्लॉक और B ब्लॉक इन्होंने जो भी बना रहे हैं, तो इसका भी NOC ले के LDA अप्रूव करवा के फिर उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, ये बताइएगा हाफिज़ साहब कि इसकी जो डेवलपर्स हैं, जो इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री है, क्योंकि ये बड़ा हमारा क्वेश्चन एक नॉर्मली क्लाइंट्स का चलता है कि जो भी कोई सोसाइटी बन रही है तो उसको डेवलप कौन कर रहा है, और उसके डेवलपर्स कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो पहले भी कहीं कोई सोसाइटी बना चुके हैं, तो इसके मुतालिक बताइएगा कि इसके डेवलपर्स कौन है। इसके डेवलपर्स की बात करें तो पाकिस्तान के मायानाज डेवलपर्स हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड, जो HRL का ये इनका प्रोजेक्ट है, और इनकी पाकिस्तान में 72 ईयर्स से हिस्ट्री है एज ए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। पूरे पाकिस्तान की रोड्स की अगर बात करें, सड़कों की और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की, जिसमें DHA है, बहरिया है, सबसे पहले इन्होंने इसकी डेवलपमेंट का जो आगाज़ किया था यहाँ से किया था, और अब इसी वजह से ये अपनी सोसाइटीज़ की तरफ आ रहे हैं, अपनी सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं कि इन्होंने 72 ईयर से सर्व किया है पाकिस्तान में। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी डेवलपमेंट अभी अगर हम करंट स्टेटस की बात करें, तो क्लाइंट्स की बड़े क्वेश्चन थे कि करंट क्या सिनेरियो है अगर हम ऑन साइट जाते हैं, क्योंकि साइट पे जाना इतना आसान नहीं है। साइट पे अगर आप जा रहे हैं या साइट को अगर आप देख रहे हैं, तो साइट की क्या पोजीशन है वहाँ पे, इस टाइम क्या डेवलपमेंट का मामला आते हैं, वो थोड़ा सा आप बताइए। डेवलपमेंट की बात सर करें तो उसमें पाकिस्तान रेलवे से इन्होंने NOC ले लिया है, जो कि अंडर पास GT रोड से इसको अप्रोच कर रहा है लाहौर स्मार्ट सिटी में जाने के लिए। सबसे पहले तो अंडर पास की लोकेशन है इसकी, ठीक है, उसका NOC इन्होंने ले लिया है पाकिस्तान रेलवे से। अब वहाँ पर करीब आजकल में एक दो दिन में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है।
इसके अलावा अगर उसकी अंदर बात करें ए और बी ब्लॉक का, वो पोजेशन भी अनाउंस कर चुके हैं, जो कि ए ब्लॉक को ये मार्च में पोजेशन देंगे और बी ब्लॉक को ये देंगे अप्रैल आफ्टर रमज़ान में देंगे इंशाल्लाह। तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी यहाँ पर हो रही है और विलास बन रहे हैं, इसके अलावा रोड्स बन चुकी हैं ए और बी में। सॉरी हाफिज़ साहब आपको काट रहा हूँ मैं, ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि पोजेशन मिलना किनको है, क्योंकि हाँ, इसके मुतल्लिक काफ़ी बड़ा अहम क्वेश्चन है कि पोजेशन तो वो अनाउंस कर रहा है, लाहौर स्मार्ट सिटी ने पोजेशन अनाउंस कर दिया, बड़ा एक तहलका मच गया, लेकिन वो पोजेशन मिलेगा किनको? जी बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि पोजेशन किनको मिलेगा। पोजेशन उनको मिलेगा जिन्होंने एट द टाइम ऑफ बुकिंग 100% पेमेंट लाहौर स्मार्ट सिटी को जमा करवा दी थी, ये पोजेशन उनके लिए है। ये पोजेशन मार्केट में रूमर रहे हैं कि जी 18 लाख वाली बुकिंग को मिलेगा या 33 लाख वाली या 54 लाख वाली बुकिंग को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। ये उनका जो अनाउंसमेंट आया है स्मार्ट सिटी का, उसमें बड़ा क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जी पोजेशन सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने 100% पेमेंट, फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ बुकिंग जमा करवा दी थी, सबमिट करवा दी थी, और उसके बाद उन लोगों को मिलेगा जिनकी अमाउंट जो है 50% होगी। फिर थर्ड नंबर पे अगर प्लॉट वहाँ पर बच गए, अगर उनकी ये सबको देने के बाद कोई क्वांटिटी बच गई, तो वो उन लोगों को देंगे जिनकी 40% तक पेमेंट गई होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो बैलेटिंग होगी बाकी लोगों का, फिर नाम आएगा उसको। ठीक हो गया। अच्छा बस अब इसमें जो जो कंस्ट्रक्शन की उन्होंने एक क्लॉज ऐड की थी, वो उस क्लॉज को आप किस तरह देख रहे हैं? उसमें उसमें उन्होंने ये बताया था कि एक कंडीशन रखी है कि जिन लोगों को पोजेशन देंगे वो उनके ऊपर ये लागू होगा कि 90 डेज में वो अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, इसका वो एफिडेविट लेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी में। आप जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं की उनको ये उनका पोजेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर इसको हम देखें तो ओवरऑल एक अच्छा कदम है स्मार्ट सिटी का, जो पोजेशन देना इतने शॉर्ट टाइम में, तो एक अच्छी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छी अचीवमेंट है। अच्छा सर थोड़ा सा बताइएगा कि इसके अंदर रेजिडेंशियल कैटेगरी में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है रेजिडेंशियल, क्योंकि डिफरेंट कटिंग्स डिफरेंट सोसाइटीज दे रही होती हैं, तो स्मार्ट सिटी रेजिडेंशियल के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हमें? लाहौर स्मार्ट सिटी में रेजिडेंशियल में अगर आप देखें तो 5 मरला से शुरू होता है, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल, और इसके अलावा विलाज हैं। विलाज में भी 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 12 मरला और 1 कनाल में वो बना के दे रहे हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट पर। तो विलाज की भी कोई भी डील आ चुकी है या अभी? नहीं, अभी इंशाल्लाह 15 फरवरी तक उम्मीद है कि विलाज भी लॉन्च हो रहे हैं। अच्छा, तो जैसे ही वो लॉन्च होंगे तो मार्केट में होंगे, ये ऑन पे ही स्टार्ट होंगे जो ठीक है। तो हमने रेजिडेंशियल की बात की है, तो ऑब्वियसली हमारे कमर्शियल के भी काफी क्लाइंट्स क्वेश्चंस करते हैं, कमर्शियल की कैटेगरीज क्या हैं और कमर्शियल को आप किस तरह देख रहे हैं फर्दर फ्यूचर? कमर्शियल की अगर बात करें, लाहौर स्मार्ट सिटी का एक हॉट प्रोजेक्ट है, एक हॉट डील है, जिस बंदे ने शुरू में कंस्ट्रक्शन इसमें कमर्शियल लिया था, चाहे वो इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक 4 मरला कमर्शियल और एक 8 मरला कमर्शियल, आज वो डबल प्रॉफिट के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो कमर्शियल की अगर आप बात करें तो ये पूरी सोसाइटी का, लाहौर स्मार्ट सिटी का एक इसको दिल समझा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ और मुस्तकबिल में अगर कोई इसको होल्ड करेगा तो ये बहुत ज़्यादा, ये 2000% इसको जो है ना, इसको प्रॉफिट आपको मिलेगा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब ये तो हमने जो क्वेश्चन से अब इसके मुतालिक एक क्वेश्चन, मेरा अपना जाती क्वेश्चन, इसको हम लाहौर स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, स्मार्ट सिटी क्यों, स्मार्ट इसके अंदर क्या चीज है कि हम इसको स्मार्ट इसको इसलिए कह रहे हैं कि इसमें ये स्मार्ट फीचर्स लेके आ रहे हैं, जैसे आपकी हर चीज़ लाहौर स्मार्ट सिटी के जो रेजिडेंट्स होंगे उनको हर चीज़ आपके मोबाइल में ये मुहैया की जाएगी, आपने बिल जमा करवाना है, आपने कोई और मामलात हैं, आपकी जो ये जो वेस्टेज वगैरह होती है ये सारा आपको मोबाइल ऐप के थ्रू आप इसको करेंगे। इसके अलावा पूरे लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर ये वाईफाई सर्विस दे रहे हैं, जो ओपन वाईफाई सर्विस होगी और बड़ी फास्ट, इसको फाइबर ऑप्टिक इसकी केबल डाल रहे हैं इस वक्त। अच्छा। अभी उसकी डेवलपमेंट चल रही है, तो जैसे ही ये भी मुकम्मल होगी पूरे लाहौर स्मार्ट सिटी में स्मार्ट, इसी वजह से क्या, स्मार्ट फीचर्स की वजह से हर चीज स्मार्ट, हर चीज स्मार्ट ली जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, ये पहला प्रोजेक्ट है लाहौर के अंदर जो बिल्कुल हर चीज को इन्होंने स्मार्टली ऐप के अंदर लेके जा रहे हैं। चलें, अच्छा ये बताइएगा, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
कि हर सोसाइटी के लिए डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट अप्रोच लेके क्लाइंट्स आते हैं। कुछ क्लाइंट्स जो कहते हैं कि हमने इस प्लॉट को, इस कैटेगरी को मैच्योर करना है, कुछ क्लाइंट्स वो कहते हैं कि हमने इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करके हमने इसको अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट निकाल दी है। तो आप इसको किस तरह अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन में बताएंगे कि जो मैच्योर करना चाहते हैं उनके लिए क्या मामलात हैं और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मामलात हैं इसके अंदर? जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कमर्शियल की भी बात की कि बहुत अच्छे प्रॉफिट में, इसी तरह रेजिडेंशियल में भी अगर आप बात करें इसकी मैच्योरिटी की, तो जो तो लॉन्ग टर्म लेके चलेगा उसको बहुत अच्छा इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि आप देखें इस वक्त वहाँ पर जो प्लॉट है 22,80,000 और 21,60,000 रुपये की बुकिंग है 5 मरला की, सेकंड बुकिंग है। फर्स्ट बुकिंग की बात करें 18-19 लाख रुपए की फर्स्ट बुकिंग है, जिसके ऊपर अभी इस वक्त बड़ा अच्छा प्रीमियम चल रहा है। तो पूरे लाहौर में किसी भी अच्छी सोसाइटी में इतने का प्लॉट 5 मरले का नहीं है। अगर आप सराउंडिंग की बात करें या अच्छे ब्रांड की बात करें तो 50 लाख से 5 मरले का प्लॉट शुरू हो रहा है, यहाँ पर आपको 19 लाख और 21 लाख दे रहे हैं। तो अगर आप 4 साल तक इसको होल्ड करें और इसकी इंस्टॉलमेंट बर वक्त पे करें और इसको लॉन्ग टर्म लेके चलें, लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि आप 20 साल रखें, लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि आप एटलीस्ट इसकी इंस्टॉलमेंट आप इंस्टॉलमेंट तक चलें, इंस्टॉलमेंट में चोर की, तो आपकी आपको बड़ा अच्छा इसमें प्रॉफिट गेन करने को मिलेगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारी जो एक्सपर्ट ओपिनियन थी वो आप तक पहुँची होगी और जो हमारे क्वेश्चन से जो आपकी क्यूरीज हमारे तक आई थी वो उनके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। तो आप हमारी वीडियोस को देखते रहा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट भी वीडियोस आती रहें। और हमारे डेली बेसिस पे हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो अपने जो सोसाइटी के रेट्स हैं वो अपडेट कर रहे होते हैं, उनको आप देखते रहा करिए। अल्लाह ताला निगहबान हो जी सबका। अल्लाह हाफिज़।